आगरा थाना जगदीशपुरा पुलिस सर्विलांस कोर टीम को मिली बड़ी कामयाबी। चोरी ठप्पेबाजी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का किया खुलासा। घरों एवं शादी पार्टियों में 3-4 घंटे रैकी करने के बाद बनाते थे अपना शिकार। लोगों का ध्यान भटकाकर लाखों रुपए का सामान, कीमती ज्वेलरी लेकर हो जाते थे फरार। आगरा पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। आगरा पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 4 शातिर चोरों से 20 से 25 लाख रुपए का माल बरामद किया। 2 शातिर चोर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के और 2 शातिर चोर मध्य प्रदेश जिले के हैं। आगरा सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं शातिर चोर। आगरा पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार कर भेजा जेल। STS CT विकास कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। सुरक्षित नहीं है आपके घर का? हाँ, घर कुछ भी नहीं है। LED को भी कार भी कार शादी में आया, शादी में आया, शादी में आया, कंपटीशन कर रहा है, शादी में आया भैया, कोट पहन गए हैं। कितने चोरों को पकड़ा कर क्या करना है? आगरा पुलिस ने सर्विलांस सेल और थाना जगदीशपुरा की पुलिस ने मिलकर चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। 4 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं और 4 में दोनों दो दो सगे भाई हैं और इनके ऊपर पूर्व से भी दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं, जैसा पूछताछ में खुलासा हुआ है। ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चोरी करने का कार्य करता है। ये मुख्य रूप से घर में और शादी पार्टियों में चोरी और टप्पेबाजी का कार्य किया करते हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ इस प्रकार का है कि पहले ये 4-5 घंटे की रेकी करते हैं और उसके बाद घटना को अंजाम देते हैं। जो घर में चोरी के लिए ये पहले रेकी करके आश्वस्त हो लेते हैं कि घर में कोई नहीं है, उस घर में ताला काट कर ये अंदर घुस कर सामान को चोरी करते हैं। और शादी पार्टियों में ये 4-5 घंटे जो मुख्य रूप से जो थैला होता है जिसमें मुख्य रूप से जेवरात होते हैं, सामान होते हैं, उसकी रेकी करते हैं। और रेकी करने के बाद जब ये दूसरे का ध्यान आकर्षण करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए कुछ उत्पटांग कार्य करते हैं, जैसे खाने की प्लेट को गिरा देना, और जब उनका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है वो अपने थैले को जैसे ज़मीन पर छोड़ते हैं वो उस थैले को वहाँ से पिक करके तुरंत गायब हो जाते हैं। और इनसे पूछताछ में ऐसे 7 आगरा के घटनाएं हैं जो इन्होंने कबूला है और उसके सापेक्ष इनके पास से भारी मात्रा में बरामदगी भी हुई है। जो इनके पास से बरामदगी हुई है उनमें है 1 कार्ड, 4 चूड़ी पीली धातु के, 3 हार पीली धातु के, 4 चेन पीली धातु के, 1 नाक की नथ, 1 माथे का टीका पीली धातु का, 14 अंगूठी पीली धातु के, 15 पायल सफ़ेद धातु के, 1 कन्होली सफ़ेद धातु का, 8 जोड़ी बिछिए, 10 सिक्के सफ़ेद धातु के, मंगलसूत्र की चेन, 2 बड़ी LED TV स्क्रीन, 2 खडुआ सफ़ेद धातु का, उसके बाद 1 आधार कार्ड, संबल और 12,000 रुपये और पाइप और रिंच जो ये लोग खोलने के लिए उपयोग में लाते हैं वो बरामद हुआ है। जो लगभग इनके पास सामान बरामद हुआ है उसका आज का बाजार मूल्य लगभग 20 से 25 लाख के आसपास का है। और जो 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम है ऋषिकेश ठाकुर पुत्र प्रताप सिंह, जनपद राजगढ़ मध्य प्रदेश का निवासी है, नीरज पुत्र प्रताप सिंह जनपद राजगढ़ मध्य प्रदेश का निवासी है, ये दोनों सगे भाई हैं। और दूसरे जो हैं अमित धाकड़े पुत्र भूरी सिंह, अजय प्रताप पुत्र भूरी सिंह, ये दोनों भी सगे भाई हैं और ये दोनों लोग उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद के निवासी।